गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी प्यारी फैमिली को। और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ पकौड़ी बनाने की। तो उसके लिए ये मैंने पत्ता गोभी एक धुल के रखी है और एक ये बैंगन धुल के रखा है, इनको कट करूँगी। और इधर मैंने ये फूल गोभी को तोड़ के रखा हुआ है, क्योंकि ये धुली नहीं है इसलिए इसको अलग रखा है। और इसको पहले सादा पानी से धुलूंगी, उसके बाद फिर इसको मैं यहाँ पे मैंने किया है गरम पानी। गरम पानी में नमक डाल के गोभी को धुलूंगी। तो पानी गरम इसमें हो चुका है और ये डाल दिया मैंने नमक, और अब मैं इसमें जो है गोभी को डाल दूंगी। और यहाँ पे मैंने पकौड़ी बनाना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे बन रही है साइड में चाय। हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और मैं आ गई नई एक नए ब्लॉग के साथ आपका वेलकम करने आपके अपने चैनल रजनी लाइव ब्लॉग्स में। और मैं हूँ रजनी, और आज वीडियो जो है मैं थोड़ा मतलब मुश्किल से ही बना पा रही हूँ, क्योंकि गेस्ट लोग आए हुए हैं। तो मैं मतलब थोड़ा सा मुझे मौका मिला तो मैं जल्दी से आके इधर बैठ गई हूँ आपसे बात करने। और नाश्ता हम लोगों का सबका हो चुका है। नाश्ते में हमने पकौड़ी बनाई थी जो कि आप लोगों को दिखाई है। और अब मेरा खाना बन रहा है और खाने में सब्जी बन रही है। और अब मैं बनाऊंगी दाल रोटी एंड चावल। और आज जो है देखती हूँ कितना टाइम मिल पाता है आप लोगों से बात करने का। तो अभी थोड़ा सा मुझे मौका मिला तो मैं आ गई। और चलते हैं किचन में, क्योंकि खाना बन रहा है तो किचन में जाना पड़ेगा अभी। और जैसे ही फिर टाइम लगेगा, मौका मिलेगा, फिर मैं आऊँगी आप लोगों से बातें करने फिर। और अभी फ़िलहाल चलते हैं खाना बना लें, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। लोग खा चुके खाना और सभी लोग खा चुके हैं, मैं रह गई हूँ। तो मैं जा रही हूँ अब खाने, तो मैं लगा के ले आई हूँ अपने लिए भी। और टाइम भी काफ़ी हो गया है, भूख भी लगी है तेजी से। तो देख लीजिए मेरा खाना, चटनी है, थोड़ा सा सलाद है, दाल है और बैंगन की सब्जी है और रोटी है और
मिठाई है और चावल अभी मैंने लिए नहीं है, पहले दो रोटियां खाऊंगी उसके बाद फिर मैं चावल लूंगी। तो ये है मेरा आज का खाना, मेरा भी और मेहमानों का भी, सबका यही था। और ठीक है, तो पहले मैं खाना खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। किस किसने इस टाइम तक अभी खाना नहीं खाया है, 2 बज गए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और 2 बज चुके हैं, मैं अब खाने जा रही हूँ, और जिसने नहीं खाया हो वो खा लीजिए। अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, आप लोग आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फिर मिलते हैं बाद में फ्रेंड्स, आपसे। खाना मेरा हो चुका है और ओहो पानी फैल गया, मैंने पानी ला के रखा था थोड़ा सा, मैं ना बाद में पीती हूँ खाना खाने के बाद देर में थोड़ा, तो वो पानी जो है फैल गया मुझसे एकदम। ये देखिए, अब इसको यहाँ से साफ करती हूँ और खाना मैं खा चुकी, अब धोंगी थोड़ा सा जो खाना खाने के जो बर्तन हैं उनको, और उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। अभी पहले पानी साफ कर दूँ, काम बढ़ गया और थोड़ा सा बिस्तर भी गीला हो गया। और अब मैं जा रही हूँ, धुलूंगी जो अभी खाना खाने के बर्तन हैं कुछ वो, और उसके बाद थोड़ी देर कुछ और काम करूँगी या फिर थोड़ी देर आराम करूँगी, और उसके बाद फिर वही चाय का टाइम हो जाएगा। और कपड़े पड़े हैं छत पे, वो लाएंगे, उनको फोल्ड करेंगे, पूरे दिन का काम रहता है आप लोग जानते हो। सर्दी के टाइम में तो और भी, क्योंकि दिन जो है थोड़ा छोटा होता है तो और भी मतलब कहाँ दिन निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे बाद में। हेलो जी, रात हो गई है और मैं बना रही हूँ खाना, मैं बना रही हूँ डिनर। जैसा कि आपको बताया था मैंने कि मेहमान आए हुए हैं, तो देखती हूँ मैं, मतलब वीडियो बनाने का मुझे रेगुलर मौका मिल भी पा रहा है, टाइम मिल भी पा रहा है कि नहीं। टाइम तो मिल रहा है, टाइम तो जैसा जो रोज़ काम करते हैं वही हम करना है, पर मौका यानी कि, क्योंकि हर हर किसी को नहीं ये पसंद होता है ना कि वीडियो बनाए यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे मतलब पोस्ट करें, अपलोड करें। तो इस वजह से जो है मतलब मैं किसी के सामने नहीं बनाना चाहती, तो इस वजह से मौका वाली बात जो है मैं कर रही हूँ। तो देखती हूँ डेली मौका मिल पा रहा है कि नहीं, कि क्योंकि 2-4 दिन रहेंगे मेहमान, और तो अभी मुझे थोड़ा सा मौका मिला तो मैंने सोचा कि मैं जो है वीडियो की एंड कर दूँ और बता दूँ आपको कि मैं आपको रात वाला खाना बना रही हूँ। और तो अभी वीडियो जो है यहीं पे एंड करूँगी क्योंकि टाइम फिर नहीं मिल पाएगा, और इसके बाद फिर मुझे नहीं बिल्कुल भी टाइम होगा कि मैं आप लोगों से बिल्कुल भी बात कर पाऊँ। तो बस यहीं पे वीडियो को एंड करती हूँ, और कोशिश मेरी रहेगी कि मैं हर दिन ब्लॉग लेके आऊँ और हर दिन आप लोगों से बात करूँ, पर दिखती हूँ। और मैं जो है ना इसीलिए थोड़ा सा सिलो बोल रही हूँ क्योंकि ठीक नहीं लगता, और किसी को, और मुझे मतलब पूरा ये भरोसा है कि जो मेहमान हैं उनको बिल्कुल पसंद नहीं है ये, तो इस वजह से मैं जो है चुपके से बना रही हूँ, इसलिए जो मैं मौका और टाइम देख रही हूँ। तो वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए।